पतेंते बी क्लियर करने वाले तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंटरव्यू में आज पांच साहब तशरीफ लाए हैं। हमारे भाई हैं मोहम्मद फैजान अरशद साहब, पास हुए जी पतेंते बी, क्या इन्होंने क्लियर? पाकिस्तान मंडी बहाउद्दीन से हैं और इटली मोदना से, ओ गादी कार्ड की। और उसके साथ साथ है मोहम्मद नईब साहब, पाकिस्तान सियालकोट इटली मिलानो से, ओ गड्डी खुलवा दी इन्होंने भी। मोहम्मद सलीम साहब पास हुए जी पाकिस्तान चक दर्रा अली मास्ट और इटली पिज्जा से हैं, जनाब ने पतेंते बी किया, बहुत मुबारक है इनको। यासिर फारूक साहब पास हुए फिर मंडी बहाउद्दीन वाले, नंबर ले गए जी, इटली मोदना से हैं, ओ कार्ड की फोटो लगा दी इन्होंने। हमारी बहन पास हुई जी मैम यास्मीन शाहिद जी, इटली मानतोवा से, पतेंते बी क्लियर किया। लेडीज भी चले बैठी हुई हैं, लेडीज को कुछ इंशाल्लाह ये बताएंगी जी पतेंते के बारे में, इन्होंने कैसे क्लियर किया। ठीक है, इनको फिर मुबारक कह दें जी। फिजान अरशद साहब हैं, नईम साहब हैं, सलीम भाई हैं और यासिर फरूक और हमारी बहन यास्मीन शाहिद, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन जी, मुबारक हो सब भाइयों को, शुक्रिया सर, मुबारक हो भाई को भी और बहन को भी, बहुत 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 शुक्रिया। और दुआ करें हम लोग भी आपकी तरह, मुबारक हो भाई सबको, इंशाल्लाह के नहीं, आमीन। मेरी तरफ से भी सब भाइयों को और बहन को मुबारक हो जी, शुक्रिया भाई, जाकिर साहब मुबारक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, चलें जी, ये तो मुबारक वाला सेगमेंट पूरा हुआ। और पास होने वाले हो तुसी दुआ करनी है मुबारक आखण वालियां वास्ते, अच्छा है, बड़ा खुश होता है आपका रब जब आप किसी को खुशी में के टाइम मुबारक देते हैं, परेशानी के टाइम उसकी दिल जोई कर देते हैं, तो अल्लाह बड़ा खुश होता है कि देखो मेरे बंदे आपस में कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एहसास रखते हैं। यास्मीन शाहिद जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सिस्टर बहुत कांग्रेचुलेशन जी, आप पास हुई माशाल्लाह, पतेंते भी किया, बहुत शुक्रिया सर, आपको भी बहुत ज्यादा मुबारक, क्योंकि आपकी वजह से ये सारा कुछ मुमकिन हुआ है, वैसे मैं अकेली तो कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो ना मेरे से हो सकना था। शुक्रुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, चलें जी, बड़ी खुशी की बात है। तो सुनाए कैसे आपको ये पढ़ाई लगी, जरा शुरू शुरू में लेडीज तो पता है लैंग्वेज का ज्यादातर शिकवा करती हैं कि हमें जुबान नहीं आती, तो आपने कैसे कवर किया जी ये पतेंते? सर लैंग्वेज का इसके साथ जो है ना कोई भी दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है कि बंदा बोले कि मुझे जुबान नहीं आती तो मैं नहीं कर सकूंगी, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपको जबान का एक लफ्ज भी नहीं आता ना, तो फिर भी आप जो है ना, आपके साथ दूसरों का तो नहीं मुझे पता, लेकिन जो आपसे पढ़ रहे हैं ना उनके लिए ये लैंग्वेज जो है ना वो इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, माशाल्लाह, मैम कह रही हैं कि अली पतेंते सेंटर के साथ, लेकिन मतलब आम लोगों का ये ख्याल है ना सिस्टर के ज़ाहिर इटालियन में सवाल आएंगे और इटालियन हमें आती नहीं, तो फिर कैसे मतलब कवर करते हैं आप जी? सर वो मतलब कि लगता है ऐसे ही है कि हम लोग जो है ना वो इटालियन में है ये सवाल जो है, तो लेकिन जब जैसे आपने पढ़ाया होता है तो बंदे को देख के सवाल ये नहीं लगता कि हम लोग इटालियन पढ़ रहे हैं, ऐसे ही लग रहा होता है कि हम लोग उर्दू में पढ़ रहे हैं, उर्दू में मतलब कुछ भी नहीं फर्क महसूस होता है, ऐसे बंदे के जेहन में वो चीजें बैठ जाती हैं जो जैसे जैसे आपने समझाया होता है पढ़ाया होता है, कुछ भी मुश्किल नहीं होता ना, मतलब बोले कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती तो ये गलत है, लैंग्वेज के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे बिल्कुल भी लैंग्वेज नहीं आती तो देख ले, माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र, और आपका आपकी वजह से जो कुछ भी हुआ था सब आपकी वजह, क्योंकि पहले मैंने खुद से ये यूट्यूब से ट्राई किया लेकिन मेरे मुझे नहीं समझ आई, फिर मैंने यूट्यूब पे आपकी वीडियो देखी, फिर मैंने रब्ता किया, तो उसके बाद जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा। हाँ टाइम मेरा अपना जाया मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि मैं जो है ना वो तकरीबन 1.5 माह में हो गई थी, तो डेट लेने की जो मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने बोला कि डेट जो है ना वो 20 से 30 दिन की मिल जाती है, जब हमने पता किया तो वो हमें तकरीबन 2.5 माह की डेट जो है ना वो सिर्फ फाइल जमा करवाने की मिली, फाइल जमा करवाने के बाद 2 महीने जो है ना 2 महीने बाद की डेट जो है ना वो थ्योरी की मिली, तो इस वजह से मेरा थोड़ा टाइम आया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि 2 महीने अगर आप दोगे ना 2 महीने के अंदर अंदर आप जो है ना वो पतेंते कर लोगे, 2 महीने में तैयारी हो जाती है। अच्छा जी, बिल्कुल 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 जी, हमारी बहन बता रही थी कि लैंग्वेज का इतना दखल है नहीं,
पढ़ाते टाइम यूं लगता है ये तो इटालियन नहीं उर्दू में पतेंते हैं। मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स में वजह क्या है, क्यों लगता है कि उर्दू में है इटालियन इतनी मुश्किल लगती नहीं, क्योंकि इसमें लफ्ज़ जो है ना जी वो कॉमन है, कोई थोड़े से लफ्ज़ हैं जो कि हर सवाल में हर लाइन में वही आते हैं। मुश्किल तब हो ये पतेंते अगर हर सवाल का हर लफ्ज डिफरेंट हो दूसरे से, जैसे हमारी शक्लें डिफरेंट है ना, हर बंदे की अपनी अपनी शक्ल है, लफ्ज ऐसे नहीं है। ये जो पतेंते की किताब है ना जी, मैं तो ये कहता हूँ जो मेरा तजर्बा है कि इसमें तकरीबन 150-200 लफ्ज है बस, वही बार बार आ रहा है, वही बार बार आ रहा है। आप देखते हैं जब मैं सवाल क्लिक करता हूँ तो स्टूडेंट देख के ही दस देते हैं कि सर जी वेरो कर दो बस ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है, वो नॉर्मल लफ्ज वही है, नया लफ्ज कोई नहीं। तो आप लोग हमें डरते रहते हैं, ये देखें लेडीज भी माशाल्लाह पतेंते कर रही हैं, जेंट्स भी कर रहे हैं। अच्छा के बहन हमारी ये भी बता रही थी कि तकरीबन 2 महीने का काम है, ये ज्यादा मुश्किल नहीं, लॉन्ग नहीं है। बेशक सिस्टर कितना एक दिन में टाइम दे दें तो तैयारी हो जाती है 2-3 महीने में आपके ख्याल में? टाइम मैं जो है ना, मैं आपकी क्लासेस जो रूटीन डेली चल रही है ना वो मैं तकरीबन नहीं लेती थी, ना लेने के बराबर थी मेरी ना। स्टार्टिंग में मैंने कुछ क्लासेस ली थी लेकिन उसके बाद जो है ना मैं वीडियो पे ही देखती थी। वीडियो मेरा टारगेट होता था कि जब मैं फारिग होती हूँ, मतलब मैं सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद आती हूँ, आके मैंने ना देखनी शुरू कर देनी और वीडियो जो है ना वो देखते रहने मुसलसल, मतलब कि एक दिन में मैं एक पूरा चैप्टर भी जो है ना वो कर लेती थी। अच्छा जी, मतलब मेरे पे डिपेंड था, कर लेती कई की बार ऐसे होता था कि मैं दो तीन जो छोटे चैप्टर थे ना वो मैं दो तीन भी एक दिन में कवर कर लेती थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने ये करना है तो करना है, अगर मैं छोड़ दूंगी ना तो मेरा दिल नहीं करेगा। जब मैं शुरू कर देती थी तो मेरा छोड़ने का दिल ही नहीं करता था, मैं सोचती थी कि मैं जल्दी जल्दी से सारे लेसन जो है ना कवर करती चलूं। वाह वाह, क्या कहने लेडीज आप सुन रही हैं कि इतना दिल लगता था, बता रही सर जी सुन रहे हैं। मैं सारा लेडीज जो कहती है ना कि काम है घर के काम है, इसमें कोई मतलब कि नहीं है कि नहीं है काम, लेकिन अगर आप चाहो तो आप टाइम निकाल सकती हो, अगर ना निकालो तो वो बहाना है सिर्फ, बहाना शौक की बात है ना, जब शौक लग जाते फिर टाइम भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये अर्तुरुल ड्रामा की बात कर ले, वो सारी किस्तें इन्होंने खत्म कर जितने बैठे हुए अब तीन जने सर, जब मेरे मुझे थ्योरी की डेट मिली है ना, मैंने अपने घर अपनी अम्मी अपने बहन भाइयों से किसी से कभी रब्ता नहीं किया, कभी अगर उनका कॉल आती थी अम्मी मेरे कहते थे कि आप कॉल नहीं कर, मैं कहती थी मैं मेरे पास टाइम नहीं होता, हरियत पूछ कर फिर वापस मैं बंद कर, मैं अम्मी मैं बाद में कॉल करूंगी आपको, ऐसे मैं चल रही थी ना कि मैं किससे भी रब्ते में नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी डेट आ रही है नजदीक तो मैंने ये पास करना है, हर हाल में मैंने पास करना है, अगर मैं पास ना हुई तो मैं मतलब नहीं कर पाऊंगी ना, तो ये फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम ही मैंने पास करके दिखाना है, तो इंशाल्लाह ऐसा ही हो रहा है। मतलब दिल लगता है तो सुन रहे हैं जी आप जी, दिल लगता है तो तभी बता रही है ना कि घर वाले कॉल करते तो मैं कहती थी कॉल नहीं पहले पढ़ाई जी, बिल्कुल दिल लगने की बात है ना जी। जब हाँ। स्टार्ट करता है ना बंदा, स्टार्टिंग पे ऐसे ही होता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा कवर करते हो ना तो कुछ लफ्जों की आपको समझ आ जाती है, उनकी मीनिंग का पता चल जाता है, तो फिर जो है ना फिर नहीं मुश्किल होता, लेकिन अगर आप पढ़कर छोड़ देते हो ना तो वो थोड़ा और तरह का हो जाता है। जब आप पढ़ते जाते तो उसके साथ ही आप डेट ले लो ना तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। ये बड़ी बात की मैम यास्मीन ने कि जब आप डेट ले लेते हैं ना जी फिर तो ये आप जान छुड़ा ही नहीं सकते, इससे आपको एक टेंशन नहीं छुड़ा सकते आती है कि भाई पतेंते। इवन एक लेडी बता रही थी कि मुझे अपने हस्बैंड ने पूछा आज क्या पका है, तो मैंने कहा पतेंते, तो उन्होंने कहा तेरा कम हो गया। मेरे भी हस्बैंड ऐसे ही कहते थे कि किसी से कोई रब्ता नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं कर रही, क्या होता जरा, मैंने कहा नहीं, कहते पागल हो जाओगी ऐसे पढ़ पढ़ के, मैंने कहा पागल होती तो होने दे, लेकिन ये मैंने पास करके छोड़ा। ये बात देखा, जुनून लग जाता है स्टूडेंट। एक लेडी बता रही थी कि जी वो मैंने सर जी हस्बैंड मारे जब आए तो वो मैंने रोटियां भी रख दी, सलाद भी रख दिया, सालन रखना भूल गई, तकारी आप कहते हैं शायद सब्जी, तो वो कहते हैं अल्लाह वाली मैंने आज तक नहीं सलाद से रोटी खाई। है स्टूडेंट को अल्लाह का बड़ा फजल है। मैम यास्मीन बता रही थी कि मैं बहुत ज्यादा वीडियो से ही पढ़ती थी और दिल करता था अगली वीडियो देखूं उससे अगली। दूसरा ये भी मसला जैसे इन्होंने बताया कि
जब समझ आना शुरू हो जाती है ना जी, तो फिर दिल लगना, क्योंकि आदमी की बंदे की तबीयत अल्लाह ने ऐसी बनाई है, जब उसको प्रोग्रेस ना मिले तो उसका दिल नहीं लगता। जैसे दुकान ही खोल लें, जब दुकान ना चले तो बंदा कहता है दोस्तों से, यार मैं बंद कर देनी है, नहीं चलती भी। तो जब अच्छा सिस्टम कोई काम चल पड़ता है तो बंदे का दिल लग, यही हिसाब आपकी पढ़ाई का है। आप ना पहले ही हफ्ते 10 में फैसले करना शुरू कर देते हैं कि पतेंते नहीं होना साढ़े कोलों, वो भाई आप 15-20 दिन, बल्कि हम मैम यास्मीन से पूछते हैं कि कितने दिन बाद समझ आना शुरू होगी जी आपको। मैंने जब पहला चैप्टर पढ़ा था तो पहले वैसे तो वीडियो देखी हुई थी यूट्यूब पे ना, तो मुझे नहीं इतना मुश्किल लगा, क्योंकि पहले अगर मैं शुरू से ही स्टार्ट करती ना तो फिर होना था मुश्किल मेरे लिए। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी तो मुझे नहीं मुश्किल लगा ना, मतलब कि जैसे ही मैंने आपकी क्लास स्टार्ट की है ना, तो ऐसा नहीं लगा कि मुझे नहीं समझ आ रही। अगर ऐसा लगता तो मैं आगे जारी नहीं रख सकती थी ना, मुझे नहीं था लगता कि मैं पढ़ पाऊंगी। माशाल्लाह, मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ हमारी पाकिस्तान की लेडीज, इंडिया की लेडीज माशाल्लाह पढ़ाई में बराबर हैं। जो भी लेडीज खासकर पतेंते, मुझे तो अपना पता है, जाहिर मैं अपनी बात करूंगा, अली पतेंते सेंटर के साथ कोई भी लेडी आ गई, पतेंते शुरू कर लिया, 100% उसकी जेब में है लाइसेंस। बिल्कुल, वजह क्या है, मैंने देखा है मेरे मुल्क की जो माशाल्लाह लेडीज है ना, बड़ी बहादुर हैं, पढ़ाई में पहले नंबर पर आने वाली हैं, मतलब देखते रहते हैं हम। सर जो आप बोलते हैं ना, मतलब अगर आप सवाल पढ़ रहे हो तो आपको स्टार्टिंग पे समझ आ जाए कि ये सवाल ठीक है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है ना। हाँ जी जी, बात करें जी। मैं ये कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा ही हुआ ना, क्योंकि जब मैं उधर इम्तिहान वाले रोज कुछ ऐसे सवाल थे कि जिससे लास्ट का जो मीनिंग है ना वो मेरे मतलब ज़हन में नहीं आ रहा था, स्टार्टिंग मैंने देखा कि वो बिल्कुल सही है, मैंने उनको ठीक कर दिया ना। तो बाहर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है, मैंने कहा हाँ मुझे लग रहा है कि मैं सारे ठीक करके, दो से तीन जो थे ना क्वेश्चन वो मुझे लग रहा था कि मेरे थोड़े से ना नहीं है। जब मैंने वो बाद में आके देखा, चेक किया खोल के जो है इसके था, तो उसमें से देखे तो बिल्कुल सारे मतलब वो ठीक थे। मैंने कहा ये इन्हीं का मुझे डाउट था कि ये गलत होंगे, लेकिन ये भी ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं बिल्कुल पास हूँ। जब हम लोग गए इधर से तो ये कहते हैं कि रास्ते में करते जाओ स्केदे, करते जाओ स्केदे। मैंने कहा नहीं, मैंने जो रात को किए ना वही किए, अब मैंने नहीं करने, जो दिला हो जाए। तो मेरा जो है ना तकरीबन 10:30 बजे का पेपर था, तो 10:30 बजे से लेकर रात 10 से सुबह 10 बजे तक मैंने एक स्केदा भी नहीं किया ना, बस उधर जाके रिलैक्स होकर बैठी रही हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने जैसी तैयारी की हुई है, जैसे मैंने पढ़ा और मैं इंशाल्लाह पास हो जाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितनी गलतियां आई जी आपकी? वो गलतियों को तो नहीं मुझे पता, क्योंकि मैंने वो स्केदा निकलवाया ही नहीं है अभी, इसलिए नहीं पता ना। तो पर मुझे ये पता है कि मैं जी पास तो होगी, लेकिन ये भी मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं होगी, क्योंकि जिनका मुझे डाउट था वो मैंने खुद से आके देखा तो वो बिल्कुल ठीक थे, पहले तो मेरे ठीक ही थे ना। अब स्टूडेंट पूछना चाह रहे हैं कि आपको कैसे पता लगा कि आप पास हो गई हैं, मतलब कहां से, स्कूल वालों ने बताया? जी जी, स्कूल वालों में जब पेपर थे, एक में बाहर आके बैठी हूँ, तो 5 मिनट के बाद उन्होंने ना बोला कि हम लोग आपको रिजल्ट जो है ना वो बाहर लगा देते हैं, जो पेपर लगाते हैं। हाँ। तो 11 लोग थे, 11 में से 7 पास थे, उनमें से मैं भी थी। एक मुझे उन्होंने कहा कि जाओ देख के पास हो, या फिर मैंने कहा मैंने नहीं जाना। हाँ। तो कैसा लगा यासमीन जी, पास हो गड्डी पक्की तुम्हारी? मैं बता ही नहीं सकती ना, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं बताऊं तुझे। वाह वाह स्टूडेंट, ये खुशी इंशाल्लाह आपका भी इंतजार कर रही है जितने इंशाल्लाह। तो ये सब आपकी वजह से सर, आपका जितना शुक्र अदा करो आपने अल्लाह, शुक्र है अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, के बाद उतना ही काम में, मतलब कि जो बंदा आपके पास आ गया है ना वो फेल नहीं हो सकता। हाँ ये पक्की बात है, ये बहन गारंटी है ना। स्टूडेंट्स जो आ गया अली पतेंते सेंटर के बाद, बस थोड़ी ये है कि छुट्टियां ना रेगुलर करे, चले हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टी हो जाए तो खैर है। छुट्टियों का सलूशन ये है कि अगर ये लोग 8 से 10 लेसन कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो ये अपने एग्जाम की डेट ले लें, जब एग्जाम की डेट ले लेते हैं ना आप, तो फिर छुट्टी तो मुमकिन ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुद ही वो पीछे लग जाता है जी पतेंते, बंदा कहता है वही गल होगी ना की पके है पतेंते, लग जाता है, अल्लाह का बड़ा फजल है। बाकी ये मैं क्या बात कर रहा था, आप अली पतेंते सेंटर के साथ दाखला ले लो, छुट्टियां ना करें, कभी कभी हो भी जाए तो खैर है, और रोजाना सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें।
कि जी मैं 10 मिनट ही अली भाई देने जे उस तो ज्यादा मेरे को टाइम को नहीं जे आप भी आ जाओ भाई और देखना लाइसेंस हो जाएगा, क्योंकि ये 10 मिनट मुझे पता है ना आपको 10 घंटे तक ले जाएगी आस्ता आस्ता शोक जब जाएगा। इवन ये हमारे नौजवान बसों में बैठ के स्केदे कर रहे होते हैं, साइकिल चलाते चलाते स्केदे कर रहे होते हैं, किचन में। आप बसों में कह रहे हैं, मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती थी तो बच्चे मेरे पीछे होते थे, मैं आगे के चलते चलते स्केदा कर रही होती थी। दस मिनट मतलब बच्चों की टाइमिंग में 10 से 15 मिनट का फर्क था। एक ने 8 बजे जाना है, उसको 8 बजे छोड़ के दूसरे ने 8:15 जाना है, मैं उधर खड़े होके स्केदे कर रही हूँ। स्केदे कर रही, माशाल्लाह। रास्ते में आ रही हूँ, जा रही हूँ, मतलब मार्केट जा रही हूँ, जहाँ कहीं भी जा रही हूँ ना, रास्ते में घर में मैंने पढ़ना होता था, जो मेरा टाइम बैठ के पढ़ने वाला नहीं ना होता था उसमें मैं वो स्केदे करती रहती थी। वाह वाह, देख लो स्टूडेंट, इस तरह शौक लग जाएगा। अब आप ना कई मुझे मीडिया पे भाई बहने सुन रही हैं तो वो कहती हैं नहीं मुझे पढ़ाई का इतना नहीं है ना, तो मैं शायद इस तरह इतना वो शौक लगन से नहीं चल पाऊंगी। भाई आप भी चल जाएंगे, चल पड़ेंगे, क्योंकि ये ना जो शौक होता है, जज्बा, जुनून, किसी चीज की लगन, ये अभी आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ये कभी अप कभी डाउन, कभी बहुत तेज कभी स्लो, ये चलता ही रहता है। आप आ जाए इंशाल्लाह, ये महफिल लगी हुई है, रौनक बा रौनक एक सिलसिला है माशाल्लाह। और आप लोग का बड़ा शुक्रिया, मैं तो यकीन करे लफ्ज ही नहीं है मेरे पास, ये जितने भी भाई बहने ये स्टूडेंट है हमारे, मैं कैसे इनका शुक्रिया अदा करूं। सालों से चलते आ रहे हैं, रौनक लगाई हुई है आपने मिलजुल के, चले कोई 100 है, 50 है, कोई 10 है, कोई 20 है, कोई आ रहे जा रहे। अब 5 लोग का इंटरव्यू आज है, तो 5 आते हैं तो जाते हैं तो 10 आ भी जाते हैं। यास्मीन जी, आपसे भी कोई मुतासर हुआ फिर उसने पतेंते का दाखला लिया हो? मुतासर तो हुई है, मेरी 2 दोस्त हैं, उनको मैंने आपका नंबर दिया है। अब देखेंगे दाखला लेती हैं कि नहीं लेती, क्या तो रही थी कि लेंगे इंशाल्लाह। जरूर बढ़ती रहनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना है हमने सारी कम्युनिटी को। मैंने कहा था 2023 में मैंने सारे बंदे खत्म कर देने पतेंते वाले, मैं और मेरे भाइयों दोस्तों ने, तो इंशाल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है। अब जिसको भी पूछे ना जी, या उसने पतेंते कर लिया है, या वो पढ़ रहा है, या वो विदे कर रहा है, बस इस तरह ये टीचर भाइयों की मदद से माशाल्लाह रौनक लगी हुई है। चले जी, बहुत अच्छा लगा जी। यास्मीन साहबा ने बातें शाते की और ये बताया कि पतेंते आसान है और दिल भी बड़ा लग जाता है। अच्छा यास्मीन जी, कोई लेडीज को कुछ कहना चाहे जी? बहुत सारी है, जेंट्स तो माशाल्लाह लगे हुए हैं बेचारे, अपनी मजबूरियां भी हैं इनको, लेडीज का बड़ा शौक है। और मेरा ये मानना है कि अगर लेडीज लाइसेंस करती हैं ना, जिस घर में भी हमारी बहन हमारी बेटी लाइसेंस करती है, वो घर वालों के लिए बड़ी आसानियां कर देती है। मार्केट से स्पेजा ले आए और ये कमूने कस्तूरे चले गए, और हॉस्पिटल अगर अल्लाह ना करे कोई बीमार है तो खाना शाना लेके पता ले आती हैं, तो सहूलत तो बड़ी है। लेकिन वो ना इसको मुश्किल समझती हैं और थोड़ा बाज ये भी कहती हैं कि अब घर वालों से पैसे लेंगे तो ऐसे पैसे मारे जाया ही ना हो जाएं। कुछ इनको पैगाम देना चाहें जी? कोई कुछ भी नहीं होता, कोई डर कोई खौफ अपने जेब में ना रखे, क्योंकि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दूसरा, क्योंकि मैं तो सोचती हूँ जो घर की जिम्मेदारी है ना वो सारी औरत पे है। मतलब क्या, अभी आप कह रहे हैं ना कि गाड़ी हो तो स्पेजा वगैरह, वो गाड़ी के अलावा भी औरतें स्पेजा करके लाती हैं ज्यादातर इधर, क्योंकि मर्द जो है वो काम पे होते हैं, वो काम करें या फिर घर का जो है वो संभाले। इसलिए मर्द के पास तो होता ही होता है, कुछ घर हैं जिनके पास मतलब जिनके घर में मर्दों के पास नहीं है, लेकिन लेडीज के पास मैं कहती हूँ मर्द से ज्यादा लेडीज को जरूरत है पहनने की, क्योंकि ज्यादा काम लेडीज का इधर, लेडीज का जरा घर का देखना और स्पेजा करना, और घर का देखना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, बच्चों को घर स्कूल से वापस लाना। अब जैसे कि मौसम चल रहा है, इस मौसम में जाहिर बात है अगर स्कूल 10 मिनट का भी है तो फिर भी बारिश वगैरह में मसला ही है ना, इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल बड़ा आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप स्टार्ट करते हो ना तो स्टार्ट करने के बाद आपने छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ दोगे तो फिर वो दोबारा से स्टार्ट होगा। चलें जी, यास्मीन साहबा से जो 2 सवाल करते हैं फिर इनको इजाजत देंगे। सुने जी ये सवाल। Il segnale raffigurato indica un'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica le categorie cui la stessa è riservata. जी, दोबारा सुन लेते हैं, कोई बात नहीं।
वेरो कह रहे हैं। अच्छा जी, सेनियाले राफिगुरातो इंडिका आरिया दी पार्केजो। सेनियाले राफिगुरातो इंडिका उन'area di parcheggio e può essere integrato con un pannello che indica le categorie cui la stessa è riservata. Riservata, vero? किसके साथ पनेलो हो सके वो वेरो है। अच्छा ये कह रहा है कि पोए सिरे इंटेग्रातो कौन पनेलो इसके साथ रिजर्व गाड़ियों के लिए जो होती है ना, जैसे कि हैंडीकैप वाली, उस तरह की भी पनेलो साथ लग सकती है। हाँ, ये एक सवाल इसमें है जिसमें वो पोए सिरे पनेलो वाला वो फाल्सो भी है, याद है वो कौन सा है, क्या लफ्ज़ है वो? मुझे स्पानी तो नहीं याद है, लेकिन किसी स्टूडेंट को पता हो मैं वो पी में पोए सिरे पनेलो वाला एक सवाल गलत है, वो क्या लफ्ज उसमें मैंने दसया था आपको? सर बात है मेरे ख्याल से सुपर फीचे लफ्ज है। चलें भाई, बहुत नाइस। चलें ये दो दो नंबर सवाल हल कराएं जी फिर। सर एक मिनट मेरी वो La corsia di decelerazione facilita l'uscita dei veicoli dall'autostrada. Sì. Gli è falso, eh? Gli è falso, che è dia, Allah. Non è vero, è falso, è vero. Mi ha detto che è vero. Mi ha detto che è vero. Mi ha detto che è autostrada se ne calne che lì. Corsia ho sakta hai asani karne ke liye, autostrada se ne calne ke liye, vero hai. वाह वाह वाह,